इक्वेशन 22 कलम मिला है e की पावर x बटे e की पावर 2x प्लस 6 इंटू e की पावर x प्लस 5 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हम समाकलन को i के बराबर मान लें, माना i बराबर है इंटीग्रल e की पावर x बटे e की पावर 2x प्लस 6 इंटू e की पावर x प्लस 5 dx। अब यदि मैं e की पावर x बराबर t लूं तो अवकलन करने से मुझे क्या मिलेगा, e की पावर x dx dt मिलेगा, जो यहां मैं पाता हूं कि अंश में है, अर्थात i क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dt बटे e की पावर 2x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 6 इंटू e की पावर x का मान रख दिया t प्लस 5, ये हमें प्राप्त होता है। अब इसको पूर्ण वर्ग के रूप में ले जाएं तो ये i का मान कितना हो गया, इंटीग्रल dt बटे t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू t, 6 लाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना है तो 3 से गुणा कर दिया, तो 3 का स्क्वायर मुझे जोड़ना है, प्लस 5 लिखा और 3 का स्क्वायर मैंने घटा दिया। इस प्रकार मैंने यहां से ये एक पूर्ण वर्ग का रूप प्राप्त कर लिया, तो i का मान हो गया इंटीग्रल dt बटा t प्लस 3 का होल स्क्वायर 5 माइनस 9, ये तो है प्लस का 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो माइनस का 4 आया, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये हमारा एक मानक सूत्र के रूप में समाकलन बन गया। सूत्र क्या है ये यहां लिख लेते हैं, सूत्र हमारा है किस रूप में आ रहा है, इंटीग्रल 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ये किसके बराबर होता है, सूत्र है हमारा 1 अपॉन 2 ए इंटू लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी, ये हमारा सूत्र है, अर्थात जो समाकलन है वो क्या हो गया, 1 अपॉन 2 ए, ए हमारा है यहां 2 इंटू लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, टी प्लस 3 माइनस 2 एक्स प्लस ए, अर्थात टी प्लस 3 प्लस 2 प्लस सी। अब टी का मान मैंने e की पावर x लिया है तो मान 1 बटा 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, मान रख दिया e की पावर x प्लस 1 बटे e की पावर x प्लस 5 प्लस सी, ये हमारा अभिष्ट समाकलन का i का मान आ गया, 1 बटा 4 इंटू लॉग e की पावर x प्लस 1 बटा e की पावर x प्लस 5 प्लस सी।